मिशन विवेकानंद अस्पताल में 35 वर्षीय बिजनौर निवासी महिला फरजाना, जो कि अत्यधिक पेट की समस्या से जैसे कुछ खाते ही उल्टी होना, पेट साफ न होना आदि कई दिक्कतों के साथ एशियन विवेकानंद अस्पताल में आई थी, जहां पर इमरजेंसी में ही डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट विशेषज्ञ ने भर्ती होने की सलाह दी। डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती ने एंडोस्कोपी के द्वारा देखा कि मरीज की छोटी आंत सिकुड़ गई है, जिसके कारण महिला खाना नहीं खा पा रही, कुछ खाते ही उल्टी हो जाती है, पेट में दर्द रहता है, खाना छोटी आंत के नीचे नहीं जा पा रहा और उसका पेट भी साफ नहीं हो रहा है। डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती ने मरीज एवं परिजनों को सलाह दी कि वे अत्याधुनिक तकनीक एवं बिना चीरे के द्वारा आंत की इस रुकावट का इलाज कर देंगे, जिसमें मरीज को केवल 1 या 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा और मरीज को तुरंत ही आराम मिल जाएगा। एशियन विवेकानंद अस्पताल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती ने महिला का इलाज एक नई तकनीक इओडिनल स्टेंटिंग के माध्यम से किया। इस तकनीक में छोटी आंत को ना काटकर एक ट्यूब जिसके सिरे पर एक कैमरा लगा होता है, जिसे एंडोस्कोप कहते हैं, के माध्यम से मुंह से होते हुए ड्यूओडेनम में डाला जाता है और एक महीन तार का उपयोग करके स्टंट को ड्यूओडेनम के अंदर सही जगह पर लगाया जाता है। इस प्रक्रिया में करीब 30 से 40 मिनट का ही समय लगता है। मरीज अब स्वस्थ है, ठीक से खाना खा पा रही है और उसकी आज ही अस्पताल से छुट्टी भी कर दी गई है। इओडेनम स्टेंटिंग के माध्यम द्वारा सफल इलाज के लिए एशियन विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत पांडे, रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हिलाल अहमद ने डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं टीम को शुभकामनाएं दी। भविष्य में भी इसी प्रकार नई नई तकनीक से मरीजों का इलाज किया जाता रहेगा तथा ये भी बताया कि जल्द ही एशियन विवेकानंद अस्पताल में एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की सुविधा, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड क्षेत्र में पहली बार शुरू की जाएगी। क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ से निवासी हैं और क्या प्रॉब्लम थी आपको जो आप यहाँ भर्ती हुए? फरजाना नाम है मेरा। फरजाना कहाँ से रहने वाली है? राजभाग की हाफिजाबाद की। क्या परेशानी थी जो आप यहाँ भर्ती हुए? पेट में दर्द था, आंत पतली हो गई थी, उसमें स्टेंट डाला। कितने समय से समस्या थी आपको? समस्या तो मुझे बहुत टाइम से थी, पहले और कुछ बीमारी थी, अल्सर की बीमारी थी, पस निकला था 7 किलो पेट में से, वो ठीक हो गया था। काशीपुर इनसे डॉक्टर से करवाया था, फिर यहाँ आ गए थे, हमें यहीं आना पड़ा। इनसे पहले कहाँ कराया था? इनसे पहले मेरठ कराया था, मेरठ से कुछ नहीं हुआ था, कोई फायदा नहीं हुआ था। नहीं, कितना समय इलाज हुआ था वहाँ पर? वहाँ 1.5 महीना हुआ था। 1.5 महीने इलाज हुआ था, फिर इनके संपर्क में आया? 6 महीने हो गए इनके, उसमें इनके ट्रीटमेंट में 6 महीने हो जी। अब आपकी सेहत के और आपकी तबीयत कैसी है और क्या जानना? अच्छी है, बेहतर है पहले से। पहले से बेहतर है जी। डॉक्टर आज के संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई, नमस्ते, मैं डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एशियन हॉस्पिटल मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। तो बेसिकली आज हम लोग चर्चा करेंगे कि चर्चा का विषय है हमारा ड्यूडेनल स्ट्रक्चर। तो ड्यूडेनल स्ट्रक्चर जो हमारे पेशेंट हैं उनमें क्रॉनिक पैनक्रियाटिस की वजह से हुआ था, उनको पहले बहुत ही बड़ा एक पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट हुआ था, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में रिमूव किया था एंडोस्कोपिकली बिना कोई सर्जरी से। और उसके बाद जब देखा गया कि उनका जो आते हैं छोटी आते हैं वो क्रॉनिक पैनक्रियाटिस की वजह से उनका काफ़ी पतली हो गई थी। तो आते पतली हो जाने की वजह से क्या हो रही थी कि जैसा आप देख सकते हैं इस फोटो में कि कंट्रास्ट यहाँ पे जा रहा है, मगर उसके बाद जो है कंट्रास्ट की फीलिंग जो है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में उतने अच्छे से नहीं हो रही है। तो पेशेंट को क्या हो रहा था, काफ़ी दिक्कत हो रही थी, पेट दर्द हो रहा था, खाने में दिक्कत हो रही थी कि लिक्विड जा रहा था मगर सॉलिड के वहाँ सेमी सॉलिड फूड जो है वो उनकी पेट की थैली से छोटी आंतों में नहीं जा रहा था। तो हमने इसके बारे में पेशेंट के साथ चर्चा की और जो स्टेनोटिक लेंथ है जिस जगह में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन नैरो हो गया था, पतली हो गई थी, उसका लंबाई हमने देखा और उसके हिसाब से हमने स्टेंट का एक अप्रॉक्सीमेट लंबाई जो है निर्धारित किया। पेशेंट को अंडर सेडेशन आईवी सेडेशन में हम लोगों ने बिना कोई ऑपरेशन से एंडोस्कोपी पहले स्टेंट स्ट्रक्चर के पास लेके गए और उसके बाद स्टेंट जो है हमने वहाँ पे स्टेनोटिक पार्ट में डिप्लॉय कर दिया।
तो स्टेंट जो है इसे कहते हैं SEMS यानी सेल्फ एक्सपेंडेबल मेटलिक स्टेंट। एक बार स्टेंट डिप्लॉय हो जाता है अपनी जगह पे तो धीरे धीरे वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। तो एक्सपैंड होने की वजह से क्या होता है, एक्सपैंड होने की वजह से वो आंतों की जो साइज़ है उसको, आंतों की साइज़ को वो खोल देती है, आंतों को नॉर्मल कर देती है। पहले यही प्रक्रिया ऑपरेशन द्वारा होता था, ओपन सर्जरी द्वारा होता था, जिसमें हॉस्पिटल स्टे बहुत ज़्यादा होता था, पेशेंट को तकलीफ़ होती थी, खर्चे भी ज़्यादा होता था, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद वुंड इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा होता था, और डे टू डे काम में भी पेशेंट को नॉर्मल लाइफ में आने, डे टू डे काम करने में पोस्ट हॉस्पिटल डिस्चार्ज भी काफ़ी वक्त लग जाता था, इनफैक्ट महीनों लग जाता था। तो अभी जो ये टेक्निक है ये एक दिन का टेक्निक है, इसमें हम लोग पेशेंट को IV सेडेशन देते हैं, OT में लिए लेते हैं और मुंह के रास्ते से एंडोस्कोप देते हैं। एंडोस्कोप देने के बाद वो जो स्टेनोटिक पार्ट है, जो पार्ट जो नैरो हो गया है, उसमें एक पतला सा एक गाइड वायर देते हैं। एक मशीन होती है जिसे कहते हैं सियाम, तो सियाम से हम लोग देखते हैं कि गाइड वायर जो है वो आपका स्टेनोटिक पार्ट से, नैरोड पार्ट से चला गया है कि नहीं। समझ लीजिए जो नैरोड पार्ट है उसका लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, 5 सामने और 2 सेंटीमीटर, पीछे और 2 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, उसके 5 सेंटीमीटर रहा तो 9 सेंटीमीटर का स्टेंट। तो 9 सेंटीमीटर का स्टेंट क्या करेंगे, वहाँ पे रख देंगे, उसके बाद उसको, उसको ऊपर जो कवर होती है उसको खोल देते हैं। कवर खोल देने से स्टेंट कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है, क्योंकि वो सेल्फ एक्सपेंडेबल है, वो अपने आप क्या होता है, खुलने लगता है। और जैसा आपने इस चित्र में देखा है, वो आंतों का जो पोजीशन है, आंतों का जो कन्फॉर्मिटी है, उसको अडॉप्ट कर लेती है। तो ये जो स्टेंट है ये 2 प्रकार की होती है, एक है कवर्ड स्टेंट और एक है नॉन कवर्ड स्टेंट। कवर्ड स्टेंट में जाली के ऊपर एक कवर होती है जो कि हम लोग कैंसर के पेशेंट में यूज़ करते हैं, जबकि अनकवर्ड स्टेंट में सिर्फ मेटल का एक मेश होता है, उसके ऊपर कोई कवर नहीं होती है, जो ऐसे पेशेंट में जिनको कैंसर नहीं है, दूसरी बीमारी है जिसकी वजह से हमारे आंतें जो है नैरो हो गई है, उनमें ये यूज़ किया जाता है। ये स्टेंट धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा जो इंटेस्टिनल म्यूकोज़ा है, इंटेस्टिनल म्यूकोज़ा के साथ ही चिपक जाता है, और क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, मे बी मोस्ट प्रोबेबली 1-2 साल के बाद ये जो हमारे आंतों का जो बायोलॉजिकल टिश्यू है उसके साथ ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसमें कोई फॉरेन बॉडी पेशेंट के शरीर में ज़िंदगी भर के लिए रखना ऐसा नहीं है। जो स्टेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल स्टेंट है। तो बायोडिग्रेडेबल स्टेंट आपके साधारण मेटलिक स्टेंट से थोड़ा कॉस्टली होती है, मगर फ़ायदा ये है कि आपको एक आप कहेंगे मेटल को लेके ज़िंदगी भर नहीं चलना होगा। अभी आप काफ़ी यंग है, 33 इयर्स की है, तो पूरी ज़िंदगी इनके सामने है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेटल इनके साथ रहे। हाँ, तो ये जो स्टेंट है बेसिकली ये 6 महीना 1 साल के बाद जो है, एक बार जब आंतें पूरी खुल जाएगी, आंतें को कन्फॉर्मेशन बन जाएगा, तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मरीज़ कहाँ के हैं, कैसे ट्रीटमेंट लिया? हाँ जी, मरीज़ एक्चुअली मैं मरीज़ को काशीपुर से जानता हूँ, वहाँ से हमारी परिचय हुई है। उसके बाद क्योंकि काशीपुर में सुविधाएं काफ़ी कम थी, हाँ, उसके बाद मैंने एशियन हॉस्पिटल विवेकानंदा में यहाँ पे ज्वाइन किया है। उसके बाद यहाँ पे उनसे बात की, उनका जो टेस्ट हुआ है, टेस्ट होने के बाद हमें जब पता चला कि आंतों की जो सेगमेंट है वो नैरो है, तो उनको फिर बताया गया। मरीज़ आप खुद ही बता सकते हैं आप कहाँ से हैं और आपका सर अब कैसी कंडीशन है मरीज़ की? आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है, कल ही प्रोसीजर हुआ है, आज एकदम अच्छी है, आज खा रही है, पी रही है, पहले जो उनकी हाजमे की दिक्कत हो रही थी अभी वो बिल्कुल नहीं है, अभी भूख लग रहा है, पहले खाने के बाद पेट फुला हुआ रहता है क्योंकि खाना आगे नहीं जाता है और ऊपर आने की चाह रखती है, अभी वैसा नहीं है, खाना आगे की तरफ अपना नेचुरल जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये एक मैं तो इजी नहीं बोलूँगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, मगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से शॉर्ट स्टे, चीप, और कल से ये काम कर सकेगी, कल से ही फुल खाना खा सकेगी। अगर ये बोलेगी कि कल चिकन खाना है, डेफिनेटली खा सकेगी। कितना समय ट्रीटमेंट और चलेगा? इनका ट्रीटमेंट एक्चुअली हो चुका है, इनका ट्रीटमेंट हो चुका है अभी कल, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रोसीजर किया है उसमें एनास्थीशिया का यूज़ किया है, हाँ, तो उसके लिए हो सकता है हम लोग एंटीबायोटिक कुछ दिन देंगे, 4 या 5 दिन का देंगे, बस दैट्स इट, ट्रीटमेंट वहीं पे खत्म। कितना समय लगा ये जो सर्जरी है, इसमें कितना समय लगा? इसको इसमें लगा बेसिकली 30-40 मिनट्स ही लगता है, तो 30-40 मिनट्स में हो गया है, हाँ, इन एंड आउट। तो
जहाँ तक मुझे लगता है कि क्योंकि मैं एक्चुअली रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ ये मुरादाबाद में पहली बार हुआ है। इसके पहले मुरादाबाद से पेशेंट इधर दिल्ली या फिर मेरठ में जाते थे, लेकिन मुरादाबाद में ऐसा गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट तो मैं पहली कर रहा हूँ। क्या इसके बाद मुरादाबाद के जो लोग हैं दिल्ली मेरठ जाने की जरूरत नहीं है? हाँ डेफिनेटली, हाँ यहाँ इसके बाद जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल प्रोसीजर है, डे केयर प्रोसीजर है, एक दिन का प्रोसीजर है और उतना कॉस्ट भी नहीं है, और टेक्निकल एक्सपर्टाइज दिल्ली में जैसा है यहाँ पे भी वैसा ही है। और आप देख सकते हैं कल पेशेंट का सर्जरी हुआ, आज पेशेंट एकदम ठीक है, इनफैक्ट अभी वो तो जाने के तैयार हैं कि घर जाएंगे। हाँ तो मुझे लगता है कि उतना दूर दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, सेम फैसिलिटी यहाँ पे भी अवेलेबल है और वो भी वर्ल्ड क्लास अवेलेबल है। क्योंकि ये जो हमने जो स्टैंड इन में यूज़ किया है वो बायोडिग्रेडेबल यूज़ किया है, जबकि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द हॉस्पिटल मैनेजमेंट कि उन्होंने हमें बायोडिग्रेडेबल स्टैंड यूज़ करने का मौका दिया, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल स्टैंड काफ़ी कॉस्टली होती है। आपका साधारण मेटेलिक स्टैंड जो है वो आपका कॉस्टली उतना नहीं होता है, मगर क्योंकि पेशेंट का एज 33 है, मैं नहीं चाहता कि पेशेंट भगवान करे आप 100 साल से भी ऊपर जिए, मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इतने साल मेटल को लेकर रहें, तो मैंने बायोडिग्रेडेबल स्टैंड का रिक्वेस्ट डाला था एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट इट, और इनके केस में हम लोगों ने बायोडिग्रेडेबल स्टैंड यूज़ किया।